अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। प्रशासन का यह दावा है कि इस दौरान सिर्फ 45 मिनट में ही श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन कर सकेंगे। महाशिवरात्रि पर 15 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के उज्जैन आने की उम्मीद है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि पर पहले की तरह ही व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं, आगे भी निरीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद प्लान तैयार कर सुरक्षा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। रात्रि को लेकर के पूरी तैयारियों का आज यहाँ पे जायजा लिया जा रहा है, जिसमें कि कर्कराज पार्किंग, शू स्टैंड, फिर उसके बाद पूरा लोगों को लाने की व्यवस्था, फनल की व्यवस्था और यहाँ पे एंट्री और एग्जिट की क्या व्यवस्था रहेगी, इसका पूरा मुआयना किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अनुमान हम लोग करीब 15 लाख लोगों का लेके चल रहे हैं, उस हिसाब से व्यवस्था कर रहे हैं। दर्शन करने में समय नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा, जैसे अभी भी जो दर्शन की व्यवस्था है उसी के अनुसार हम लोग टनल के माध्यम से लोगों को दर्शन कराएंगे, तो हम लोग फास्ट करवा सकते हैं, तो 45 से 50 मिनट्स के बीच में पूरा दर्शन कंप्लीट हो सकता है। आने वाले जो पावन पर्व है महाशिवरात्रि, उसको लेकर कलेक्टर साहब और पूरी टीम के साथ निरीक्षण किया है। वो जो व्यवस्था है, जो आप लोगों ने बिंदु बताए, जो लोगों ने बताए, हमारा प्रयास है कि सुगम से सुगम दर्शन हो, जल्दी से जल्दी दर्शन हो, जगह जगह पर पानी और इमरजेंसी सर्विसेज की व्यवस्था हो, उसी को लेकर आज निरीक्षण चल रहा है और ये अभी 2-3 दिन लगातार चलेगा। इसके संबंध में जो पुराने रिकॉर्ड है उनके संबंध में मैंने ऑलरेडी पॉइंट दे दिया कि पुराने जो गैंग्स हैं जिसने इस तरह की घटनाएं की हैं, उन सभी को हम ऑलरेडी लिस्टिंग कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड जो जिले हैं, जो थाने हैं, उन सभी को सूचित किया जा रहा है और उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिससे आने से पहले ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, यहां पहुंच ही ना पाए। 8 मनाया जाएगा और इस महापर्व को लेकर उज्जैन कलेक्टर SP ने अधिकारी कर्मचारियों के साथ तैयारियों का निरीक्षण किया, साथ ही पार्किंग से महाकाल मंदिर प्रांगण तक की व्यवस्थाओं का भी मुआयना किया। वहीं कलेक्टर ने बताया कि इस बार भी 30 से 40 मिनट में श्रद्धालुओं को महाकाल के दर्शन हो सकेंगे और इस महापर्व पर करीब 15 लाख भक्तों के महाकाल दर्शन करने का और उनके आने का अनुमान लगाया जा रहा है। पीथमपुर